मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका आज जन्मदिन है। और स्वामी जी कहते थे, विशेषकर युवाओं से कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। वो कहते थे कि जो अपने आप पे भरोसा नहीं करता, भगवान भी उस पर विश्वास नहीं करते। भगवान उस पर ही विश्वास करते जो अपने आप पर विश्वास करता। स्वामी जी एक ऐसी प्रेरणा थे कि जिनके विचार आज भी जब हम पढ़ते हैं तो नई ऊर्जा से भर जाते हैं। लेकिन स्वामी जी ये भी कहते थे कि नौजवान, और केवल युवाओं नहीं, आज युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं उनकी जयंती को, लेकिन केवल युवा नहीं, सारे नागरिक शरीर से स्वस्थ होने चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया। शरीर अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर से हम सभी काम अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से कर सकेंगे। आप कल्पना कीजिए, विचार बहुत अच्छे, सोच बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अगर शरीर बीमार है तो क्या आप अपना उद्देश्य पूरा कर सकेंगे? नहीं। और शरीर को स्वस्थ बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है योग। मैं स्वयं रोज योग करता हूं। कोरोना जैसी महामारी से मैं भी पीड़ित हुआ, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि मैं प्राणायाम भी करता था। योग प्राणायाम, वैसे तो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। लेकिन हम प्रारंभिक रूप से भी विचार करें तो स्वस्थ शरीर के लिए योगासन और उसकी जो पूरी श्रृंखला है, अगर अलग अलग योगासन ना करना हो तो एक सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार में लगभग सभी आसन आ जाते हैं। तो केवल सूर्य नमस्कार से हम योग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि शरीर को स्वस्थ मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि स्वामी जी कहते तो मुझे 50 भी मिल जाए ऐसे जिनकी मांसपेशियां लोहे की हों और स्नायु इस्पात के, मैं सारी दुनिया बदल के रख सकता। आपको भी बड़ा काम करना है तो स्वामी जी के बताए इस मार्ग पर चलिए। सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने आप को जोड़िए एक बड़े लक्ष्य के साथ। यह मानव जीवन बहुत अनमोल है, ये केवल पेट भरना और जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए, बड़ा काम करने के लिए। और बड़ा काम तब करेंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो याद रखिए, रोज योग करना है यानी सूर्य नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और अच्छी दिशा में आगे बढ़ना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम।
धन्यवाद, नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।